Yes, welcome students. Today I am going to start with part 3 of data file handling, which I already started. This actually video is based on the latest syllabus, on the new syllabus given by CBSC 2020-21. जिन students ने last two videos नहीं देखी हैं, kindly see that videos. उसके बाद ही आप part 3 देखिएगा. Today I am going to start how to read the data from a file. See, if your data is on your hard disk and if you want to read that particular data, तो आपके पास Python के अंदर you have three functions, three methods होते हैं read करने के लिए. First method is read method, second is read line method and third is read lines method. इन तीनों में difference होता है और ये तीन ये difference ही आपके कोई paper में पूछ लिया जाता है कि what is the difference between read and read line, read line and read lines. So you should know all the differences between read, read line and read lines method. Let us start with the read method. Read method आपका किस लिए यूज करते हैं? As I already told you कि ये तीनों method हमारे read करने के लिए file का data read करने के लिए use करे जा रहे हैं. तो हमारा जो first method है read method, उसका syntax रहता है आप file object provide करते हैं and simultaneously आप यहाँ पे read function का use करते हैं and this size is optional over here. यहाँ पे size आपका optional होता है. Size अगर आप नहीं देते हैं तो default वो negative argument ले करके चलता है and it reads the whole content of the file. Now what is the size actually called? Size means what? If you want the number of characters to be returned by the read method. ठीक है, तब आप उस केस में यहाँ पे आप साइज प्रोवाइड करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू आप देते हैं कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइल को रीड करने हैं. इन द केस ऑफ यू नो बाइनरी मोड, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितनी रीड करनी है. अगर हम यहाँ पे एफ डॉट रीड विद इन द ब्रैकेट 24 दे देते हैं तो फाइल पॉइंटर जिस पोजिशन पे होता है वहाँ से स्टार्ट करके टिल 24 कैरेक्टर्स तक रीड करके वो आपको डिस्प्ले कर देता है, रिटर्न कर देता है. रादर सेइंग कि वो रिटर्न कर देता है, ठीक है, जिस वेरिएबल में आप रिटर्न करवा रहे हैं. नाउ द थर्ड पॉइंट इज हेयर इन द केस ऑफ रीड इज इफ यू आर यू नो इफ योर फाइल पॉइंटर इज एट द लास्ट पोजिशन ऑफ द ऑफ योर फाइल. ठीक है, आपका जो फाइल पॉइंटर है एंड ऑफ द फाइल पे रीच कर गया है, तब उस केस में अगर आप एफ डॉट रीड मेथड का अप्लाई करते हैं तो क्या वो रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग. ठीक है, उस केस में वो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा. दैट मींस वो क्या करता है, क्योंकि आपका जो फाइल पॉइंटर है एंड ऑफ द फाइल रीच कर गया है, उसके आगे कुछ भी कंटेंट लिखा नहीं है, तो वो क्या रिटर्न करेगा? एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा एंड इट विल डिस्प्ले द ब्लैंक यू नो स्पेस ऑन योर स्क्रीन. सो दिस इज कॉल्ड अ रीड मेथड. ये तीनों पॉइंट्स आपको रीड मेथड के पता होने चाहिए. नो नेक्स्ट इज रीड लाइन मेथड. रीड लाइन मेथड इज एक्चुअली यू नो यूज्ड to read the single line. It is used to read a single line from the file. ठीक है, सिंगल लाइन को रीड करने के लिए आप रीड लाइन मेथड का यूज़ करते हैं. नाउ हेयर द सिंटेक्स इज अगेन यू हैव टू मेंशन द फाइल ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने फाइल ओपन करी है वो फाइल हैंडल फॉर फाइल ऑब्जेक्ट आप यहाँ यूज़ करेंगे. डॉट रीड लाइन मेथड को कॉल कर रहे हैं एंड यू नो दिस एन इज ऑप्शनल ओवर हेयर. ये एन ऑप्शनल है, अगर आप मेंशन नहीं करते हैं एन की वैल्यू तो यहाँ पे एक पूरी कंप्लीट लाइन वो रीड करके डिस्प्ले कर देगा. नाउ हेयर व्हाट इज दिस एन कॉल्ड? एन इज द नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रीड ओवर हेयर. इफ यू मेंशन लेट्स से 5 न्यूमेरिक वैल्यू ओवर हेयर, ठीक, लाइक 5 और 6 वॉट एवर, सो दिस पर्टिकुलर मेथड रीड्स द दैट नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लाइन. Now next is read lines method. Read lines method आपका it reads the entire content of the file and return in the form of a list. ठीक है, list की form में वो return करता है और separate आपका separator backslash n use करता है. So let us start. We have a file called t.txt. यहाँ हमने t.txt को read mode में open किया है. Now
मैं अब इस फाइल को रीड करना चाहती हूँ. सो द कंटेंट, फर्स्ट मैं मेथड यूज करूँगी रीड मेथड. यहाँ इस केस में मुझे मालूम है रीड मेथड रिटर्न्स द कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग. ठीक है. सो मैंने यहाँ पे लेट्स से एक वेरिएबल ले लिया आर इज इक्वल टू इन फाइल डॉट रीड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे. आई एम नॉट गिविंग ओवर हेयर एनी साइज, मैं कोई साइज यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ. और यहाँ पे जब आप प्रिंट करवाते हैं आर, तो इस केस में इसको प्रिंट करना चाहिए द वैल्यू ऑफ आर. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यू कैन टेक दिस स्टेटमेंट अंडर दिस प्रिंट मेथड. ठीक है, इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं. सी हेयर दिस इज द कंटेंट ऑफ द फाइल टी डॉट टी एक्स टी एंड इट रिटर्न्स मी द होल कंटेंट. आर यू गेटिंग रीड मेथड. अब लेट से मैं यहाँ पे साइज मेंशन करती हूँ 45 फॉर एग्जांपल. अब इस फाइल को रिटर्न करते हैं तो ये क्या कर रहा है, टोटल स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग यहाँ तक जहाँ तक उसको 45 कैरेक्टर्स बने हैं वो डिस्प्ले कर रहा है मेरे को. इफ यू वॉन्ट टू रीड मोर कैरेक्टर्स आफ्टर दिस 45 कैरेक्टर्स, तो अगेन आपके पास सी हमारे पास जो पॉइंटर है वो 45 पे पहुंच गया है. एंड नाउ आई वॉन्ट टू रीड यू नो आफ्टर 45th कैरेक्टर. सो प्रिंट इन फाइल डॉट, मुझे सीक करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं मेरा फाइल पॉइंटर ऑलरेडी 45th पोजिशन तक पहुंचा हुआ था. हम 46 से रीड करेंगे इन फाइल डॉट लेट्स से रीड लेट्स से यू नो 20 कैरेक्टर्स. सो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं. ये देखिए उसने आगे केयर योर सेल्फ इन टी एच आई तक रीड किया और डिस्प्ले कर दिया. सो अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि इट फ्रॉम 20th कैरेक्टर टिल द एंड ऑफ द फाइल, तो सबसे पहले आप फाइल पॉइंटर को 20th कैरेक्टर तक पहुंचा दीजिए एंड देन उसके बाद आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके उसको डिस्प्ले कर सकते हैं. ठीक है, होप आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट, सपोज मैंने यहाँ पे देखिए -1 दिया, उस केस में देखते हैं क्या होता है. ये देखिए केयर योर सेल्फ इन दिस पेंडेमिक कोविड -19, ये क्या कर रहा है, ये अगेन रीड कर रहा है आगे से और एंटायर कंटेंट को रीड कर रहा है. राइट, उसके आगे से रीड करना स्टार्ट किया है उसने और एंटायर कंटेंट बिकॉज मैंने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड कर दी है. नाउ हम रीड लाइन मेथड को देखते हैं. रीड लाइन मेथड, ठीक है, ये देखिए क्लास 12 कंप्यूटर साइंस उसने डिस्प्ले कर दिया. ठीक है, सिंगल लाइन को रीड करके डिस्प्ले कर दिया. नाउ सपोज यू वॉन्ट टू रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल विद द हेल्प ऑफ द रीड लाइन मेथड, तो आप क्या करेंगे, आप फॉर लूप का यूज करेंगे. आप कैसे करेंगे फॉर लूप का यूज, देखिए हम कैसे कर रहे हैं. यहाँ पे हमने फाइल ओपन करी फॉर लेट से आई इन लेट से इन फाइल. सो ये क्या कर रहा है, मैंने हैंडल दे दिया इन फाइल. यू नो अगर मैं इस तरह से स्टेटमेंट लिखती हूँ तो ये क्या करता है, इन फाइल में जितना भी कंटेंट है वो रीड करके आई में स्टोर करता जाएगा. जस्ट चेक इट आउट हेयर, ये देखिए प्रिंट सिंपल आई, अब देखिए एंटायर कंटेंट उसने डिस्प्ले कर दिया क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद बैक स्लैश एन, बिकॉज यहाँ पे हम एंड कैसे यूज करते हैं, बैक स्लैश एन से. आर यू गेटिंग. सो फॉर लूप अगर लेते हैं तो बाय ऑटोमेटिकली वो रीड मोड ले लेता है. नाउ रीड लाइन्स मेथड, रीड लाइन्स मेथड आपका क्या करता है, इट रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल. देखो लेट अस चेक इट आउट ओवर हेयर. फॉर एग्जाम्पल मैंने एल वेरिएबल लिया इज इक्वल टू यू नो इन फाइल ऑब्जेक्ट है डॉट, आई एम यूजिंग रीड लाइन्स मेथड. नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस एल, जस्ट चेक इट आउट. ये देखिए
ये क्या कर रहा है, लिस्ट फॉर्म में रीड लाइंस मेथड कंटेंट को रीड करके लिस्ट फॉर्म में रिटर्न कर रहा है वैल्यूज। और एल को जब हमने प्रिंट करवाया तो देखिए किस फॉर्म में आ रहा है, लिस्ट फॉर्म में रिटर्न हुआ है डेटा। और बैक स्लैश एन इज अ यू नो एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ लाइन को बैक स्लैश एन से रिप्रेजेंट करके उसने डिस्प्ले कर दिया। और यहाँ पे ये क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं। क्वेश्चन किस फॉर्म में बन जाते हैं, यू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द फाइल, कि टोटल नंबर ऑफ यू नो साइज कितना है। सो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे रीड फंक्शन का यूज़ करूँगी। सो मेरा फाइल पॉइंटर पॉइंटर ऑलरेडी लास्ट पोजीशन पे है, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले सीक का यूज़ करके उसको इनिशियल पोजीशन पे लेकर के आती हूँ। इन फाइल डॉट सीक, राइट, बिगनिंग ऑफ द फाइल लेके आई। एंड नाउ यू नो यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से लेंथ इज इक्वल टू इन फाइल डॉट रीड एलियन। ओके, ये देखिए 275 टोटल कैरेक्टर्स आर देयर इन माई फाइल, दैट मीन साइज ऑफ द फाइल इज 275, एज सिंपल एज दैट। सो प्रैक्टिकली आपको क्लियर हुआ होगा रीड रीड लाइन और रीड लाइन्स में क्या डिफरेंस है। Now let us do some practical problems on this, you know, reading from a file. The first, write a program to display the number of lines in the file. ये तो simple हो गया, अभी आपको करके दिखाया था, number of lines display करनी है read lines method से use करके, and आप उसको length calculate करके number of lines display कर सकते हो। Next is write a program to display the size of a file in bytes. Again आपको दिखाया था मैंने, आप read function के through read करके उसका साइज उसका लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल साइज पता चल जाएगा फाइल का कितना है, विद यू नो एंड ऑफ लाइन, विद ब्लैंक स्पेसेस, विद ट्रेलिंग एंड एंडिंग स्पेसेस। नाउ नेक्स्ट इज रीडिंग द कंप्लीट फाइल इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। अगेन दिस इज अ वेरी यू नो सिंपल क्वेश्चन, अभी मैंने कराया है आपको। नेक्स्ट इज डिस्प्लेइंग द साइज ऑफ अ फाइल आफ्टर रिमूविंग एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस एंड ब्लैंक लाइंस। ये देखिए यहाँ पे हमें साइज ऑफ द फाइल को डिस्प्ले करना है, बट आफ्टर रिमूविंग एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स, ये ऑल कैरेक्टर्स को रिमूव करके लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस एंड ब्लैंक लाइंस को रिमूव करके। चलिए ये ट्राई करके देखते हैं एक बारी। तो हम फाइल t.txt ही ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए हम किस तरह से करेंगे इसको सॉल्व। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट से साइज इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें हम साइज आफ्टर यू नो ट्रिमिंग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं ओरिजिनल अंडरस्कोर साइज, जिसमें हम ओरिजिनल साइज कैलकुलेट करेंगे। सी एज वी नो दैट वी वॉन्ट टू रीड द एंटायर फाइल एंड वी आर रीडिंग द एंटायर फाइल यूजिंग द रीड लाइन मेथड। सो आई एम गोइंग टू यूज द फॉर आइटरेटर टू यू नो रीड द एंटायर फाइल फॉर लेट से आई इन, इन फाइल इज माई ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ अब ध्यान दीजिएगा, मैं रीड कर रही हूँ, मुझे साइज भी कैलकुलेट करना है और ओरिजिनल साइज भी देखना है कितना है। तो मैंने साइज कैसे कैलकुलेट किया, आई में रीड होकर के आ रहा है, सी हेयर ध्यान से, साइज इज इक्वल टू साइज प्लस, को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइज प्लस इज इक्वल टू लेंथ, ठीक है। लेंथ यहाँ पे मुझे ट्रिम करना है, आई में जो भी वैल्यू आ रही है मुझे उसको ट्रिम करना है। तो मैंने स्ट्रिप फंक्शन का यूज किया, स्ट्रिप फंक्शन स्ट्रिप कर रहा है ब्लैंक लाइंस और एंड लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को। नाउ हेयर और लेंथ कैलकुलेट होकर के साइज में स्टोर हो रही है, और ओरिजिनल साइज जो वेरिएबल है हमारा उसमें हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। सो लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ आई, ठीक है, लेंथ ऑफ आई कैलकुलेट हो रही है ओरिजिनल साइज में। आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, मुझे इसको प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है
वैल्यूज, ठीक है, ओरिजिनल ओरिजिनल साइज ऑफ द फाइल, किसमें आ रही है वैल्यू? ओरिजिनल साइज वेरिएबल में, राइट और मैं इस ट्रिम्ड साइज ऑफ द फाइल इज, आर यू गेटिंग? अब इस क्वेश्चन को हम रन करते हैं. सो ये देखिए, ओरिजिनल साइज ऑफ द फाइल क्या थी? 285 थी, और ट्रिम साइज मेरे पास क्या आया? 268 आया. मैं आई विल शो यू द फाइल, मैं फाइल शो करती हूँ आपको. तो मेरी फाइल थी t.txt. सी हेयर, आप कैलकुलेट करिएगा, ये मेरी फाइल है. इसने लीडिंग स्पेसेस, ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव किया है, ब्लैंक लाइंस को रिमूव किया है, और शो कर दिया है ट्रिम करके विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिप फंक्शन. ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वी हैव टू राइट अ फंक्शन स्टार्ट, स्टार्ट के नेम से फंक्शन लिखना है, दैट एक्सेप्ट्स अ फाइल नेम एंड रिपोर्ट्स द फाइल्स लॉन्गेस्ट लाइन. मुझे फाइल की लॉन्गेस्ट लाइन को डिस्प्ले करना है और फंक्शन स्टार्ट में लिखना है. तो देखिए, मैं एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करती हूँ. सो हम फाइल को ओपन कर रहे हैं. ओके, पहले फंक्शन स्टार्ट लिखते हैं, फिर चेंजेस करेंगे. तो हमें मालूम है फंक्शन लिखने के लिए मुझे, एंड आई वांट टू टेक यू नो द फाइल नेम एज अ पैरामीटर. सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? फाइल नेम पास कर दिया. ठीक है, जो हमारे पास फाइल नेम आ रहा है, मुझे उसको ओपन भी करना है. तो ओपन ब्रैकेट स्टार्ट किया आपने, आपके पास जो भी फाइल नेम आया है उसको आपने ओपन किया, राइट. अब रीड मोड में ही ओपन करना है, तो मुझे मोड मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. और मैंने यहाँ पे, आर यू गेटिंग? ठीक है, अब क्या करना है? चेक करना है. सो लेंथ चेक करनी है, लॉन्गेस्ट लाइन मुझे फेच करनी है. सो मैंने क्या किया? इफ लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है, लेंथ ऑफ लाइन, जो लेंथ ऑफ लाइन, लाइन में जो वैल्यू आ रही है उसकी लेंथ क्या मेरी, अब यहाँ पे एक वेरिएबल और रहती हूँ जिसमें मैं लॉन्गेस्ट लाइन को स्टोर करना चाहूँगी. सो मैंने क्या किया? लॉन्गेस्ट लाइन के लिए एक वेरिएबल ले लिया. सो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट, ठीक है, क्या लेंथ ऑफ लाइन ग्रेटर है लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट से? सो अगर है तो उसको इंटरचेंज कर दो. सो लॉन्गेस्ट को लॉन्गेस्ट के असाइन कर दो लाइन की वैल्यू. होप आपको क्लियर हो रहा होगा. सो लाइन की वैल्यू हमने लॉन्गेस्ट को असाइन कर दी है, बस दैट्स इट ओनली. हाँ, ये चेकिंग हो रही है. चेकिंग होने के बाद लॉन्गेस्ट में जो वैल्यू आ जाएगी वो लॉन्गेस्ट लाइन की वैल्यू आ जाएगी. और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हमें प्रिंट करना है साइमल्टेनियसली, प्रिंट लॉन्गेस्ट लाइन इज, ठीक है, यहाँ पे हम लॉन्गेस्ट सिंपल है, एंड प्रिंट उसका साइज भी प्रिंट करा लेते हैं. राइट, लेन फंक्शन का यूज करेंगे आप, एज सिंपल एज दैट. ठीक, राइट. अब इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं. इस फाइल को हम नेम दे देते हैं लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट लाइन. आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने लॉन्गेस्ट लाइन दे दिया. नाउ इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ. सी, स्टार्ट फंक्शन है, स्टार्ट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं. लेट्स से फाइल नेम मैंने दिया t.txt. आर यू गेटिंग? ये देखिए, टेक केयर योर सेल्फ इन दिस पेंडेमिक COVID-19. सबसे लॉन्गेस्ट लाइन थी, और टोटल साइज कितना है इसका? 50 कैरेक्टर्स का इसने डिस्प्ले कर दिया. सो अब एक डिफरेंट फाइल नेम दे के देखते हैं. स्टैट्स, ठीक है, लाइसेंस,
डॉट टी एक्स टी। ये देखिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट लाइन उसको ये मिली है और उसने साइज यहाँ पे मेंशन कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट अ फंक्शन दैट टेक्स द फाइल नेम एज पैरामीटर एंड डिस्प्ले द लाइन स्ट्रिंग विद पी और पी अलॉन्ग विद लाइन नंबर। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द फाइल नेम एज पैरामीटर और पी स्टार्टिंग विद पी और कैपिटल पी अलॉन्ग विद लाइन नंबर आपको प्रिंट करना। होप ये क्लियर हो जाएगा आपको। आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, रीड करने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे कि जो लाइन्थ के जीरो पोजीशन पे, लाइन में जो वैल्यू आ रही है उसकी जीरो पोजीशन पे पी है, ठीक है, पी और कैपिटल पी देखना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे चेंज क्या करूँगी, इफ के साथ कंपैरिजन इफ के साथ करना होता है मुझे। सो मैं सिंपल यहाँ पे चेक करूँगी लाइन में वैल्यू हम गेट करें उसकी जीरो पोजीशन पे क्या इज इक्वल टू कैपिटल पी के वो इक्वलेंट है, और अगर है तो क्या करना है, डिस्प्ले करना है लाइन इज इक्वल टू, लाइन की जीरोथ पोजीशन इज इक्वल टू स्मॉल पी के, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सीबीएसई एग्जाम में आते हैं। पी आ दे देगा, ए दे देगा, के देगा, व्हाटएवर जो भी देगा।